आज हम कल्पना शर्मा दीदी ऐसी बात दीदी आपका स्वागत है आ, जी नमस्ते भैया दीदी मैं आपका परिचय करता हूँ जी तो, तो, तो कल्पना दीदी गवर्नमेंट स्कूल शिमला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस के पद पर कार्यरत है दीदी ने उनका फर्स्ट वर्कशॉप इसी साल किया था जनवरी 2024 में दीदी फिलहाल तो कोई वॉलेंटियर एक्टिविटीज नहीं कर रहे लेकिन भविष्य में जरूर करना चाहिए तो दीदी आपका स्वागत है और जी धन्यवाद भैया सभी को मेरी सादर नमस्ते मैं अपना परिचय थोड़ा अपनी तरफ से भी रखना चाहती हूँ मेरा नाम कल्पना शर्मा है वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश की शिमला डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के पद पर कार्यरत हूँ मेरे परिवार में मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड जो एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शिमला में ही एक बेटा जो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ता है देवर देवरानी और उनके दो छोटे बच्चे हैं वैसे तो हमारी ज्वाइंट फैमिली है परंतु अपने अपने जॉब की वजह से हम सब अलग अलग स्थानों पर ही रहते हैं मैंने जनवरी 2024 में ही यू एच वी वन वर्कशॉप अटेंड की है थ्री डेज की और नाइन्थ बैच से ही मैं यू एच वी मॉर्निंग सेशन से जुड़ी हूँ लेकिन रेगुलरली सेशंस अटेंड करने की वजह ना करने की वजह से मैं नाइन्थ बैच में शेयरिंग नहीं रख पाई थी टेंथ बैच में काफी रेगुलर रही तो इस बार में थोड़ी शेयरिंग कर पा रही हूँ यूएचपी कंटेंट की वजह से uh, मेरा थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज होने लगा है और मैं खुद को काफी बदला बदला सा महसूस कर पाती हूँ अभ्यास की बात करूँ तो अभ्यास एक को करते हुए मेरे अंदर यह समझ बनी कि मैं अपनी कल्पनाशीलता में चल रहे भाव व विचार को देखने में सक्षम हो पाई हूँ मैं दोनों ही तरह के भाव सुखी हो या दुखी हो मैं अपने अंदर पढ़ पा रही हूँ हर क्षण लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है पर जैसे ही ध्यान में आता है तो मैं सजग होकर भाव को देख पा रही हूँ और खासकर जब भाव बिगड़ता है तो एकदम ध्यान जाता है और विचार करने लगती हूँ कि ये भाव क्यों बिगड़ा इसके मूल कारण पर जाने की कोशिश करती हूँ और विचार करती हूँ और कई बार मैं इस परिस्थिति में खुद को शांत कर पाती हूँ सोच विचार करने के बाद और कभी कभी ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि दिमाग में ऐसी बातें बहुत गहरी हैं जिनसे उभरना भी आसानी से नहीं हो पा रहा है ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है अपने बारे में खुद में सहज भाव को महसूस कर पाती हूँ मैं ये देख पाती हूँ कि जब मेरे अंदर कोई उथल पुथल नहीं चल रही होती है तो मेरे भाव व विचार एकदम शांत होते हैं और मैं मैं अंदर से सुखी होती हूं। और जब मैं ये समझने जाती हूँ कि हम सहज भाव कहते किसको हैं ये भाव कैसा होता है तो इस पर जब मैं विचार करती हूँ तो मुझे लगता है यूएचवी कंटेंट से जुड़ने से पहले भी ये विचार आ, कुछ कुछ परिस्थितियों में मेरे अंदर चलता ही था ये भाव होता ही था लेकिन उसको पढ़ पाना उसको आइडेंटिफाई करना वो शायद वो शब्द नहीं थे तो मैंने जब इस भाव को अपने अंदर देखा तो मैंने इस तरह से समझा कि जब मैं पूजा अर्चना करती हूँ भगवान के सामने जोत जलाती हूँ तो उस टाइम मेरे भाव विचार बहुत शांत होते हैं मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होती और मन जो है वो श्रद्धा से भरा होता है तो ऐसे भाव को मैं सहज भाव जान पा रही हूँ और इस भाव में ही मैं आनंद में होती हूं, मैं सुख में होती ऐसा मैं समझ पाई लेकिन ऐसी अवस्था मेरी हमेशा बनी बन पा रही है ऐसा भी नहीं हो रहा है बहुत बार प्रतिक्रिया हो जाने के बाद मेरा ध्यान भाव को ठीक करने पे जा रहा है और अंदर ही अंदर मैं उस काम में लग जाती हूँ और प्रतिक्रिया मेरी ज्यादातर यूएचवी कंटेंट से जुड़ने के बाद घर के लोगों के साथ या जो मेरे करीबी लोग हैं उनके साथ ज्यादा मतलब मैं उसको देख पा रही हूँ कि वहाँ ज्यादा हो रही है बट बाहर वर्क प्लेस पे तो काफी कम हो गई है आ, लेकिन इस बात में भी मुझे बहुत ज्यादा अभी सुधार करने की जरूरत है मुझ में भाव कौन सा चले इसका निर्णय मैं लेती हूँ ये बात काफी पकड़ में मेरी आ गई है प्रतिक्रिया करने के बाद जो मन में एक विरोध चलता था उसको बहुत जल्दी रिजॉल्व करने लगी हूँ विरोध वाली बात हो जाती थी तो कई बार तो एक दिन दो दिन या हफ्ते तक भी उसी विरोध में रहती थी उस लूप से बाहर नहीं आ पाती थी जल्दी से दिमाग को उस बात से मुक्त ही नहीं कर पाती थी लेकिन सजग होने के बाद बहुत जल्दी मैं फ्री हो जाती हूँ और लोगों के प्रति भी विरोध कम बनता है पहले मेरी ईगो मुझे नहीं करती थी कि अगर मेरी किसी से विरोध वाली बात हो जाए कोई बहस हो जाए तो बात करने की शुरुआत पह, पहले मैं करूँ लेकिन अब बड़ी आसानी से ऐसा कर पाती हूँ तो मुझे ये समझ में आया है कि अपने सुख और दुख के लिए हंड्रेड परसेंट मैं ही जिम्मेदार हूँ और अपने भाव व विचारों को नियंत्रित करके मैं इस अवस्था को प्राप्त कर सकती हूँ अगले स्टेप में निर्णय लेने का आधार समझ है या मान्यता तो अपने अंदर जब इस बात को मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं देख पाती हूँ कि बहुत सारी बातों के लिए मैं मान्यता के आधार पर ही निर्णय लेती हूँ लेकिन अब निर्णय लेते हुए ध्यान जाने लगा है और खुद को मैं क्रॉस चेक करने लगी हूँ और उस समझ से उस निर्णय को सही भी करने लगी हूँ जैसे मैंने अपने लिए मान्यता बना रखी थी कि अगर वीक में सिक्स वर्किंग डेज हैं तो हर दिन एक नई ड्रेस तो होनी ही चाहिए आखिरकार जॉब करते हैं बंधन बंधन कर तो हमें रहना ही चाहिए तो ऐसी कुछ मान्यताएं जैसे खाने को लेकर भी और और भी जो हम सुविधाएं जुटाने में लगे रहते हैं तो यही समझ आता था कि भाई ठीक है अर्निंग कर रहे हैं तो ये तो बनता ही है ये तो होना ही चाहिए हमारे पास लेकिन यूएचपी कंटेंट से जुड़ने के बाद अब ये मान्यता जो है वो पूरी तरह ध्वस्त होती जा रही है और समझ के आधार पर अब जैसे मैं ड्रेस वाली बात को लू तो एक वीक के लिए मैं दो या तीन ड्रेसेस निकालती हूँ और उन्हीं को धो धोकर मैं डालती रहती हूँ इससे मेरा कपड़ों को समेटने का काम बहुत कम हुआ संतुष्ट हूं कि मैं एक अंधी रेत से बच गई हूँ और खुद को मैं सुखी महसूस करती हूँ संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व में से मैं संबंध पर अभी काम कर पा रही हूँ मैं हर एक एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ संबंध है इस ओर मेरा ध्यान काफी बढ़ने लगा है और हर एक इकाई एक व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित है ये भी मेरे ध्यान में चीजें बहुत आने लगी हैं जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी अन्य प्राणी तथा मनुष्य इन सब की एक्जिस्टेंस के पीछे एक व्यवस्था है ऐसा मैं सोच पा रही हूँ लेकिन जहां तक संबंध के निर्वाह करने की बारी आती है तो हर जगह ऐसा नहीं कर पा रही हूँ जब ध्यान में रहता है तो काफी हद तक कर पाती हूँ लेकिन कई बार हर इकाई के साथ वो संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है विरोध बन ही जाता है जैसे अगर मुझे छिपकली दिख जाए तो मैं बहुत डर जाती हूँ मुझे इरिटेशन होती है और उसको मैं भगाने में लग जाती हूँ सहस्तित्व को देखने का काम अभी स्पष्टता से मेरे अंदर नहीं हो पाया है इसमें मुझे और काम करने की जरूरत मुझे लगती है अभ्यास दो में मैं और चैतन्य ये अलग अलग वास्तविकताएं हैं ये बात काफी स्पष्टता से मुझे दिखती है और खासकर जब मैं इनकी आवश्यकताओं के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आने लगता है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं ये भी देख पाती हूँ कि शरीर में भौतिक रासायनिक क्रियाएं लगातार चल रही हैं और चतन्य में भी भाव और विचार चल ही रहे होते हैं दोनों ही वास्तविकताएं निरंतर क्रियाशील हैं आ, ये बात लेकिन हमेशा ध्यान में नहीं आती है लेकिन जब मैं ध्यान से बैठती हूँ सोचती हूँ तो ये सब चीजें मुझे दिखने लगती हैं मेरा ये भी ध्यान बनने लगा है कि मैं और शरीर के बीच सूचनाओं का ही आदान प्रदान होता है और दिन भर में होता ही रहता है शरीर मुझे एक यंत्र के रूप में दिखने लगा है जो मैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जैसे मैं देखती हूँ कि मुझे खाना बनाना है सफाई करना है मार्केट जाना है पढ़ाई करनी है या घर के बाकी काम करने हैं तो इन सब कामों के लिए मैं यानी चैतन्य की ही इंस्ट्रक्शंस को शरीर फॉलो करता है लेकिन जब मेरा शरीर थक जाता है मुझे नींद आती है या फिर शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो शरीर है वो मैं पर हावी हो रहा है यहाँ भी मैं ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ये मैं नहीं देख पाती हूँ शरीर को संकेत क्या देना है किस संवेदना को पढ़ना है इसका निर्णय मैं ही लेती हूँ कई कई परिस्थितियों में मैं इसको देख भी पाती हूँ जैसे कल सुबह ही किचन में काम करते हुए एक गर्म बर्तन मेरी बाजू में लग गया तो जलन शुरू हो गई और मैंने दो तीन मिनट के लिए पानी के नीचे अपनी बाजू को रखा और उसके बाद में किसी और काम में लग गई तो जब मैं किसी और काम में बिल्कुल व्यस्त हो गई थी तो मुझे उस जलन का एहसास नहीं हो रहा था आ, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि ओहो मेरी तो बाजू जली थी तो जैसे ही मेरा ध्यान उस पर गया तो उसी टाइम मुझे जलन आ, मतलब महसूस होना शुरू हो गई तो उस टाइम मैंने ध्यान दिया कि किस तरह से हम संवेदनाओं को किस तरह से पढ़ना है वो उसका निर्णय मैं ही लेती हूँ सिर्फ ध्यान देने की बात है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है उस उस चीज को उसका निर्णय उसको कैसे पढ़ना है वो अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं मैं ही उसको मैं ही लेती हूँ और बाहर की परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है और मैं उसे अर्थ देती हूँ और उससे सुखी या दुखी होती हूँ तो इस बात को भी मैं थोड़ा जान पाती हूँ और जैसे मान लो बाहर स्नोफॉल हो रहा है और लाइट चली जाए तो बहुत हम बेचैन हो जाते हैं और मैं दुखी भी हो जाती हूँ कि अब कैसे हम सरवाइव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता ढंग से तो इस तरफ जब ध्यान जाता है तो बड़ा परेशान हो जाती हूँ लेकिन समझ के साथ जब मैं विचार करती हूँ तो ऐसा लगता है कि खुद को फिर समझाती भी हूँ कि कोई बात नहीं पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी गई है और इतना तो अरेंजमेंट हम सब लोगों ने घर में कर ही रखा होता है कि हम लगभग एक हफ्ते तक बिना इलेक्ट्रिसिटी के सरवाइव कर सकते हैं और फिर जब डिपार्टमेंट के लोगों के बारे में सोचती हूँ कि उनको तो इन्हीं परिस्थितियों में बाहर जाकर आ, हम सब के लिए इन हालातों को ठीक करना है इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध करना है तो इस तरह से जब मैं सोचती हूँ तो मैं आराम में रहती हूँ और बेचैनी भी मुझे नहीं होती है तो इस तरह से मैं इस बात को समझ पाई हूँ मेरा होना शून्य के सहस्तित्व में बना हुआ है और मैं निरंतर क्रियाशील हूँ ये बात अभी मैं नहीं पकड़ पाई हूँ और इसके लिए मुझे और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है सुख स्वभाव है या प्रभाव इस बिंदु पर काफी स्पष्टता बनी है कि सुख स्वभाव है और इसको मैं स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए दिन भर अपने भावों को सही रखने का अभ्यास कर रही हूँ और जहां भाव बिगड़ता है तो उस पर विचार करती हूँ कि इसकी जड़ क्या थी ऐसा भाव आने की और फिर उसको सही समझ से ठीक करने का अभ्यास करती हूँ अनुकूल प्रभाव जुटाने में अभी भी कभी कभी लग ही जाती हूँ जब स्वयं में ध्यान नहीं होता परंतु अब ध्यान में आने ही लग गया है कि मैं चेक करूं कोई भी काम करते हुए कि ये मैं क्यों कर रही हूँ क्या मैं संवेदना पाने के लिए कर रही हूँ या मैं किसी से अनुकूल भाव पाने के लिए कर रही हूँ या इस काम को करने की जरूरत है इससे किसी सामने वाले का जो है कोई लाभ होगा इसके लिए कर रही हूं। तो जब मैं इस तरह से खुद को चेक करती हूँ तो मैं थोड़ा रुक जाती हूँ और फिर थोड़ा मूल्यांकन करने के बाद मैं उस पर काम करती हूँ और अपने सही भाव के साथ कोशिश करती हूँ काम करने की और अन्यथा तो मैं अनुकूल प्रभाव जुटाने में लग ही जाती हूँ मैं और शरीर में अभी तक जो कार्यक्रम शरीर के रूप के ही अर्थ में जो चल रहा था मैं शरीर की जरूरतों के माध्यम से ही मैं मैं को खुश रखने में जुटी हुई थी लेकिन अब मैं की तरफ धीरे धीरे झुकाव होता ही जा रहा है और मैं चैतन्य को सहज रखने का प्रयास करने में जुटी हुई हूँ और मुझे जो दिन भर की परिस्थितियां हैं जिनसे मैं पहले भागने की कोशिश करती थी कि नहीं नहीं यहाँ तो मुझे इन लोगों के साथ नहीं बैठना है या पे ये कुछ ऐसी बात कर देंगे फिर मुझे इरिटेशन होगी और ऐसे तो ये सब परिस्थितियां अब मुझे खुद को चेक करने की एक प्रयोगशाला के रूप में दिखने लगी हैं और अब मैं वहां जाकर जहां से मैं भागती थी वहां पर बैठना पसंद करने लगी हूँ उनके साथ वार्तालाप करना पसंद करने लगी हूँ और जिन जिन सिचुएशंस को मैं अवॉइड करती थी वहां पर अब मैं उसको एक चैलेंज के रूप में लेती हूँ खुद को चेक करना है कि मेरा मेरा व्यवहार किस तरह से यहाँ पर चेंज हो रहा है तो इस तरह से मैं खुद को इम्प्रूव करने में लगी हूँ कमिटमेंट की जहां तक बात है तो इस कंटेंट को मैं और गहराई में समझना चाहती हूँ और अपने लिने अपने आप को इस अवस्था में लाना चाहती हूँ कि मैं इसको जीने खुद जी सकूँ इस पूरे कंटेंट में जो भी बताया जा रहा है और इसके लिए मैं और समझ और और समय लगाने को तैयार हूँ और अपने परिवार को भी मैं इस कंटेंट से जोड़ना चाहती हूँ और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान समझ बढ़ाने में लगाना चाहती हूँ ऐसी अभी मेरी तरफ से स्वीकृति बनी है तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद जो इस कंटेंट से जुड़े हैं और जो और लोगों की समझ बढ़ाने में भागीदारी कर रहे हैं सभी को तहे दिल से साधुवाद और सभी को नमस्ते तो मैं शेयरिंग करता हूं कि वो कल्पना दीदी के के बारे जी नमस्ते कल्पना जी आपने अपनी बात रखी है अपने जी नमस्ते दीदी सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था आने कोई बात नहीं हाँ जी बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के आप नाइन्थ बैच से ही जुड़े हैं इसी साल जुड़े हैं और आप अपने अंदर बहुत सारा काम कर रहे हैं आपको उसकी उपलब्धि भी दिख रही है और आप आराम में भी आ रहे हैं तो ये बहुत आ... मतलब आपने इस चीज को कमिट किया है और इसकी आप इम्पोर्टेंस देख पा रहे हैं तभी इतना आप काम कर पा रहे हैं अपने अंदर तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई -बहुत काम लंबा है और सूक्ष्मता हम सब कोई बढ़ानी है धीरे धीरे वो सूक्ष्मता बढ़ेगी तो हमें और और दिखाई देगा बट वो प्रक्रिया वही है कि ध्यान देते रहे अपने अंदर निर्णय बनाए रखे देखने का प्रयास करते रहे और धीरे धीरे दिखने भी लगता है अः कुछ एक आध बात मुझे ध्यान में आ रही थी तो वो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि अपने अंदर जब हम देखते हैं तो इस चीज को और थोड़ी सूक्ष्मता से देखें कि मेरे अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं वो निरंतर चल रही हैं शरीर में जो क्रियाएं चल रही हैं वो निरंतर हैं या नहीं है उस पर थोड़ा ना गौर करेंगे और जो ये हम आदान प्रदान करते हैं शरीर के साथ है ना वो भी निरंतर है या सामयिक है इस पर भी थोड़ा और उसको अभी खुला रखें और उसको और अच्छे से थोड़ा ऑब्जर्व करें जैसे जैसे वो ना अभी तो जस्ट आप शुरुआत है नाइन्थ पैथ से ही है तो थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन क्योंकि ये बातें ऊपर आई तो मैंने सोचा सबके लिए ही मैं थोड़ा ध्यान दिला दूं तो जो भी कुछ क्लियर दिख रहा है उसको हम देख लें जो क्लियर नहीं दिख रहा उसको अभी खुला रखें ना ऐसा माने या ना वैसा माने जस्ट उसको ओपन रखें और जब दिखेगा तब वो अपने आप ही है ना बात समझ में आ जाती है तो ये थोड़ी सी कुछ बात मैं रखना चाह रही थी बाकी तो आप बहुत अच्छे से मन लगाकर अपने अंदर काम कर ही रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना कि आप जुड़े रहें और आगे इसी तरह अपने अंदर काम करते रहें बहुत शुभकामना ठीक धन्यवाद दीदी